हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजहार टेक्नो में। दोस्तों, जब से लोगों ने व्हाट्सएप के न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में सुना है, लोगों के मन में कई सारे कंफ्यूजन है। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम व्हाट्सएप के न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो कर देते हैं तो हमारा जो पर्सनल मैसेज होता है व्हाट्सएप में, चैट जो हम एक दूसरे से किए रहते हैं, वो व्हाट्सएप लीक कर देगा और उस चैट को कोई भी देख सकता है। और कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि हमारा जितना भी डेटा है व्हाट्सएप पर, वो सब व्हाट्सएप कलेक्ट करके फेसबुक को दे देगा। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अगर हम व्हाट्सएप के इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं तो 8 फरवरी से हमारा व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा। तो इन्हीं सब कंफ्यूजन को आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल इजहार टेक्नो पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार वीडियो के नीचे दिए गए रेड वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो फिर वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें, और वीडियो अच्छा नहीं लगे तो फिर आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो यार चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दूं कि अगर आप व्हाट्सएप के इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं तो 8 फरवरी को आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट नहीं होगा, क्योंकि व्हाट्सएप ने ये डेडलाइन बढ़ा करके 15 मई कर दिया है। क्योंकि व्हाट्सएप को लगता है कि लोगों ने व्हाट्सएप के न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को अभी तक अच्छे से समझा नहीं है, इसलिए लोग कंफ्यूजन में आकर के व्हाट्सएप को डिलीट कर रहे हैं और व्हाट्सएप को छोड़ रहे हैं। इसलिए व्हाट्सएप ने लोगों को व्हाट्सएप के इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को समझने के लिए 15 मई तक का टाइम दिया है। लेकिन अगर आप 15 मई तक व्हाट्सएप के इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं तो 15 मई के बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो सकता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर व्हाट्सएप इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के तहत आपके कौन कौन से डेटा को कलेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो आपका फ़ोन नंबर और आपके फ़ोन में जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैं वो सब व्हाट्सएप कलेक्ट करता है, जो कि शुरू से ही कलेक्ट करते आया है। और साथ ही साथ आपका लोकेशन, और अब तो व्हाट्सएप में पेमेंट करने का भी ऑप्शन आ गया है। तो यदि आप व्हाट्सएप से पेमेंट करते हैं किसी को तो आपने जिस मेथड से पेमेंट करा है वो सब पेमेंट इंफॉर्मेशन भी व्हाट्सएप कलेक्ट करता है, लेकिन ये सब इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप फेसबुक को शेयर नहीं करता है। लेकिन इसके अलावा आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन का मॉडल क्या है और आपके मोबाइल फ़ोन में कौन सा सिम लगा हुआ है और आपका नेटवर्क स्पीड क्या है, ये सब भी व्हाट्सएप कलेक्ट करने वाला है इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के तहत। और हो सकता है कि ये सब इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप फेसबुक को शेयर करे। और ये सब डेटा व्हाट्सएप हमसे इसलिए कलेक्ट करता है क्योंकि इन सब डेटा का यूज़ व्हाट्सएप फेसबुक पर हमारे हिसाब से ही एड्स दिखाकर, यानी कि रिलेवेंट एड्स दिखाकर के पैसे कमाने के लिए इन सब डेटा का यूज़ करता है। और आपको मालूम ही होगा कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम इन सब का मालिक एक ही है, और वो है मार्क जुकरबर्ग। व्हाट्सएप के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है कि व्हाट्सएप किस प्रकार से पैसे कमाता है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि यदि हम व्हाट्सएप के इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो कर लेते हैं, अलाउ कर देते हैं, तो क्या हम जो मैसेज करते हैं एक दूसरे से, जो पर्सनल चैट करते हैं, वो क्या लीक हो जाएगा और वो दूसरे व्यक्ति भी देख लेगा? तो इसका सीधा सा जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि दोस्तों, हम जो व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं एक दूसरे से व्हाट्सएप मैसेंजर पर, तो आपने देखा होगा कि वहां पर लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इसका मतलब होता है कि हम जो कुछ भी मैसेज भेजते हैं दूसरे व्यक्ति को, वो इंक्रिप्टेड मोड में चला जाता है और व्हाट्सएप के सर्वर पर सेव हो जाता है जब तक कि वो मैसेज दूसरे व्यक्ति के पास नहीं चला गया हो। और जब वो मैसेज दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है, यानी कि हमने जिसे भेजा है उसके पास चला जाता है, तो वो मैसेज जो इंक्रिप्टेड मोड में व्हाट्सएप के सर्वर पर सेव हुआ रहता है वो वहां से डिलीट हो जाता है। तो ऐसे में जो कुछ भी आप व्हाट्सएप मैसेंजर पर एक दूसरे से चैट करते हैं, वॉइस मैसेज करते हैं और वीडियो कॉल करते हैं, वो सब बिल्कुल इंक्रिप्टेड रहता है और वो सब कोई भी थर्ड पर्सन नहीं देख सकता है। लेकिन व्हाट्सएप का जो एक और ऐप है जिसका नाम है व्हाट्सएप बिजनेस, तो व्हाट्सएप बिजनेस पर हम जब एक दूसरे से चैट करते हैं तो वहां पर जो कुछ भी हम करते हैं वो सब इंक्रिप्टेड नहीं रहता है। और व्हाट्सएप बिजनेस पर हमारा जितना भी डेटा रहता है वो सब डेटा व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर कर देता है। अब बात आती है कि यदि आप व्हाट्सएप के इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से व्हाट्सएप को छोड़ना चाहते हैं और व्हाट्सएप को डिलीट करना चाहते हैं और आप अपने डेटा को बचाना चाहते हैं, तो मेरा आपसे बेस्ट सजेशन ये है कि आप इंटरनेट को यूज़ करना ही छोड़ दें और इंटरनेट का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही आप अपने मोबाइल में इंटरनेट का यूज़ करते हैं आपका डेटा बिल्कुल भी सेफ नहीं रहता है। आज आप व्हाट्सएप से अपने थोड़े से डेटा को बचा सकते हैं, लेकिन कल आप दूसरे ऐप में वही डेटा को दे देंगे, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में आपका डेटा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्योंकि आप गूगल यूज़ करते होंगे, यूट्यूब यूज़ करते होंगे, वहाँ पर भी आपका डेटा यूज़ होता है और आपका डेटा लिया जाता है।
आप गूगल पर लिख करके सर्च कर सकते हैं माई एक्टिविटी। आपने अपने मोबाइल में दिन भर जो कुछ भी करा है और आप कल क्या कर रहे थे अपने मोबाइल में, वो सब कुछ आपको वहां पर दिखाई देगा। और ये सब छोड़ दो, आप तो फेसबुक यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, और आपको मालूम है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इन सब का मालिक एक ही है। तो यदि आप व्हाट्सएप को छोड़ रहे हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं तो वहां पर तो आपका डेटा ले लिया जाएगा, तो फिर व्हाट्सएप छोड़ने का फायदा क्या हुआ। लेकिन फिर भी यदि आप व्हाट्सएप को छोड़ करके दूसरे मैसेजिंग ऐप में स्विच होना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप सिग्नल ऐप का यूज करें, क्योंकि सिग्नल ऐप व्हाट्सएप से काफी ज्यादा सिक्योर ऐप है। क्योंकि सिग्नल ऐप पर आपका सिर्फ फोन नंबर और आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो जो है उन सब का नंबर लिया जाता है ताकि आप उन सब से चैट कर सके, और इसके अलावा आपका कोई भी डेटा वहां पर नहीं लिया जाता है। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि यदि आप व्हाट्सएप को छोड़ रहे हैं तो बेस्ट ऐप जो है मैसेजिंग का वो सिग्नल ऐप है। तो सिग्नल ऐप के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना दिया है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो फिर आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल इजहार टेक्नो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फिर वीडियो के नीचे दिए गए रेड वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।